क्लास हो रही है हमारी स्पोकन इंग्लिश का बैच नंबर 19 चल रहा है और आज इनकी पहले दिन मैं लिसनिंग शुरू करवा रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर वो अल्फाज के मानी हमें नहीं आते जब हम अंग्रेजी सुनते हैं ना, अंग्रेजी सुनते तो है लेकिन अल्फाज के मानी हमें नहीं आते, तो उनको कैसे समझे। मैंने अभी आप लोगों को एक वर्ड दिया है, किसी को पता है तो मुझे बता दे क्या मानी। मैंने वर्ड क्या बोला, हुबलू। मैंने क्या बोला, हुबलू। हुबलू हुबलू किसी जुबान का लफ्ज नहीं है, पहली बात तो ना अंग्रेजी है, कोई लोग ये ना समझ बैठे कि हुबलू कौन सी अंग्रेजी है। मैं आपको मिसाल से समझाना चाह रहा हूँ, बात समझाना चाह रहा हूँ, उस बात को समझ लेंगे तो वोकैबुलरी खुद ब खुद आपकी बिल्ड होगी, समझ भी आएगी। जो चीज आपने पहले नहीं भी सुनी हुई, नहीं भी पढ़ी हुई, उसकी भी समझ आएगी आपको। मैंने वर्ड बोला, क्या बोला, हुबलू। किसी को मालूम है हुबलू का क्या मतलब है, हुबलू का क्या मतलब है? नो सर, आज आपको मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि अल्फाज के मानी कैसे आपके दिमाग में आते हैं। अल्फाज के मानी अगर बता दिए जाए तो वो भूल जाएंगे, अगर मैं इसका मानी बता दूं ना तो भूल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ये लगता है जिस रेफरेंस में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सिचुएशन में, जिस काम के लिए इस्तेमाल होता है, जब वो काम की समझ आएगी तो मीनिंग मेरे के बजाय आप बताएंगे। मैंने तो किसी को नहीं बताया हुबलू का मानी क्या है, ठीक है? नो सर, नो सर, मैंने तो नहीं बताया कि हुबलू का मानी क्या है। अब देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप सब बताएंगे मुझे इसका मानी क्या है, ठीक है? कैसा हैरत की बात है कि मैं नहीं बताऊंगा, अभी तक किसी को पता नहीं है, है तो बता दे, ठीक है? नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं मेथड बताने लगा हूँ, मैं तरीका बताने लगा हूँ, अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ इसका मानी बता पाएंगे बल्कि और भी नए वर्ड जो आपको अजीब से मिलेंगे, जो आप पहले नहीं जानते, उनका मानी खुद से आप बता सकेंगे, ठीक है? मैं शर्त लगा के बता रहा हूँ कि किसी को अगर मैंने बताया है तो बता सकते हैं अभी मानी। अभी किसी को पता नहीं है, अभी तक किसी को पता नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं आपको मीनिंग इसका, लेकिन आप बताएंगे। मैं बोलता हूँ फिकरा, फिकरे पर गौर करें और फिर आप अंदाजा लगाएं इसका मानी क्या हो सकता, ठीक है? मैं बोलता हूँ मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा हुबलू ला के दो। क्या बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा सा हुबलू ला के दो। हुबलू ला के दो क्या बोला, पानी, पानी ला के दो, पानी ला के दो, पानी, हुबलू मीन पानी। सब कह रहे हैं पानी, मैंने बताया आपको ये कैसे पता चला कि हुबलू का मतलब पानी पता चल रहा है? आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सिनेरियो में, जिस सूरत हाल में मैं बात कर रहा हूँ, उसके से आपने जाना कि ये पानी कर लिया, ठीक है? ठीक है। और अगर मैं कहूँ शुंतू, शुंतू, आप कहेंगे सर ये कौन सी अंग्रेजी है, ठीक है? अब शुंतू का मानी आता है, ठीक है? नहीं, ठीक है। अब मैं शुंतू का मानी, मुझे आता है शुंतू का मानी। जी जी बताएं, ये चाइनीज लफ्ज है जनाब। नहीं, मैं ये जो स्ट्रीट होती है नहीं, होता होगा चाइनीज, लेकिन अंग्रेजी में जहाँ मैं लगा रहा हूँ वहाँ क्या है इसका मानी, ठीक है? नहीं, वहाँ नहीं पता। अच्छा, ना हुबलू कोई वर्ड है ना शुंतू कोई वर्ड है, मैं तो अपनी तरफ से फर्जी बना रहा हूँ ना आपको। एक बात कोई बात, एक चीज आपके दिमाग में डालने का मेथड डालने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं रटे नहीं लगवाता, मैं लॉजिक सिखाता हूँ, मैं उसूल सिखाता हूँ जिसके जरिए आप अच्छी अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं शुंतू का मानी मैंने बताया तो नहीं आपको, ठीक है? नहीं, मैं भी फर्जी बना रहा हूँ, इसका मानी कोई नहीं है, मैं फर्जी बना रहा हूँ, जहां मैं लगा रहा हूँ वहां आपको पता चलेगा कि शुंतू का मानी क्या। हुबलू का मानी क्या हुआ, पहले पता था आपको पानी? नहीं, कैसे पता चला? रेफरेंस से, कॉन्टेक्स्ट से, जिस सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं अब कहता हूँ उसी वर्ड को कहता हूँ कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा हुबलू लाना, गर्मी बहुत है, शुंतू होना चाहिए। क्या मतलब, मैंने से जोड़ा गर्मी से, प्यास से, पानी से, तो उसे शुंतू, शुंतू हुबलू क्या हो गया, क्या हो गया? अब आप कहेंगे सर तुम सानू अंग्रेजी सिखाना, ऐसी केड़े पासे तोड़ दी गल। मैं आपको एक जान बूझ के ये वर्ड मैंने बनाया जो हम में से किसी को भी पता नहीं है, जिसका मानी हमें पता नहीं है। अगर मैं कॉमन वर्ड बोलता तो आप में से कुछ कहते ना कि सर इसका मानी मुझे पता है, ठीक है? यस सर, मैंने जानबूझ के मैंने वो वर्ड लगाया जिससे आपको, तो आपने मानी कहाँ से निकाला? मैंने तो नहीं बताया आपको किसी को भी के शुबलू का मानी पानी और शुंतू का मानी ठंडा, मैंने तो नहीं बताया,
आपको कैसे लगा? क्योंकि जिस सिचुएशन में, जिस जगह पर, जिस सेंस में वो बात मैं कर रहा था, आपने अंदाजा लगा लिया, तो दिमाग चीजों को कनेक्ट करता है बाकी चीजों के साथ, नई चीजों को, नए अल्फाज को, नए आइडियाज को मौजूदा वोकैबुलरी के साथ, मौजूदा समझ के साथ कनेक्ट करके मानी अखज करता है। अगर मैं आपको अकेला, अब मैं बताऊं, मैं शापलू बोलता हूँ, शापलू, ठीक है, शापलू, यस सर, तो आप कहेंगे सर शापलू ये कौन सा वर्ड है? क्योंकि अगर मैं कोई बता दूं इसका, मैं कोई रेफरेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई सिचुएशन बता रहा हूँ आपको साथ, ठीक है? नो, नहीं बता रहा। अगर मैं इसका सीधा सीधा आपको मानी बता भी दूं, तो अभी थोड़ी देर के लिए आपके जहन में रहेगा, मैं 10 दिन बाद पूछूंगा तो आपको भूल जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं 2 साल बाद भी अगर मैं कहूं कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे हुबलू ला के दो, शुंतु होना चाहिए, तो ये शुंतु और हुबलू जब भी आप इस तरह से सुनेंगे, आप खुद बता सकेंगे कि इसका मानी क्या है। सही हो गया, ठीक है? अब मैंने वर्ड बोला शापलू, ठीक है? शापलू का भी आपके जहन में कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई रेफरेंस, कोई आइसोलेटेड वर्ड है ना, ठीक है? इसका कोई ताल्लुक, कोई रेफरेंस, किस चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी सिचुएशन का नाम है, किसी कॉन्टेक्ट का, क्या चीज, आपको नहीं पता। जब तक आप किसी भी आइटम या प्रोडक्ट के बारे में आपको उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ना हो, उसका सियाको सबाक आपके जहन में ना हो कि ये क्या चीज है, ये कोई आइडिया है, ये कोई चीज है, ये नरम है, सख्त है, सुरख है, सफेद है, ठंडी है, गर्म है, छोटी है, बड़ी है, जब तक आप उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, उसका सियाको सबाक पता ना हो, तो अगर उसका मानी बता भी दिया जाए आपकी जुबान में, तो थोड़ी देर के लिए आपके पास रहेगा, थोड़ी देर बाद दिमाग उसको निकाल देगा, क्योंकि दिमाग उसको रखने की जगह कोई नहीं है दिमाग के पास, दिमाग आइसोलेटेड चीजों को भूल जाता है। इसमें काबिल दिमाग और डल दिमाग का कोई फर्क नहीं है, क्लियर है? ऐसा फर्क नहीं है कि आपको लगे कि मेरा दिमाग डल है और आपका किसी और का इंटेलिजेंट है। आपको अगर लगे कि मैं फला फला मुहिब कहे कि मुहिबुल्ला कहे कि मेरा दिमाग डल है, बाकी का इंटेलिजेंट है, तो अगर ऐसा लगता है तो ये गलत फहमी है। कोई दिमाग डल नहीं होता, सब दिमाग इंटेलिजेंट है, सिर्फ दिमाग को इस्तेमाल करने का मेथड हमें सीखना। मैंने क्या बताया कि जो भी चीज दिमाग को आप देंगे आइसोलेशन में, दिमाग उसको एक क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर डाल के रख छोड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है। शापलू का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क है आपके जहन में, अभी तक तो नहीं पता, ठीक है? शापलू का मतलब मैंने बोला, मैंने मतलब नहीं बोला, मतलब बोल भी दूं तो भी आपका दिमाग उसे आइसोलेशन में रखेगा, क्योंकि शापलू और जो मतलब बोलूंगा उसका कोई आगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, और अगर मतलब मैं निकाल के दूं भी दूंगा भी तो भी उस मतलब को आप अपनी मौजूदा लैंग्वेज के साथ अटैच करके परमानेंट मेमोरी में स्टोर करेंगे। मेमोरी की 3 टाइप्स होती है, एज ए लर्नर, एज ए टीचर, मेरी जो डिस्कवरी है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी की कितनी टाइप्स है? 3 मेमोरीज है, 3 टाइप्स है, 3 लेवल है मेमोरी के। शापलू आपके जहन में कहां से कहां किस मेमोरी में गया है? ये है फ्रोजन मेमोरी में गया, अभी यह गया स्टैंड बाय मेमोरी में, बार बार वर्ड सुन रहे हैं शापलू शापलू शापलू, तो किस मेमोरी में जा रहा है? ये मिड पॉइंट की मेमोरी में जा रहा है। ये कौन सी मेमोरी है? स्टैंड बाय मिड पॉइंट। जो चीजें स्टैंड बाय मेमोरी में पड़ी है आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रीज हो जाएंगी। इससे नीचे वाला लेवल क्या है? जो बड़ा लेवल है, बड़ी मेमोरी का साइज जो है वो है फ्रोजन मेमोरी, यानी आप जैसे फ्रिज के अंदर पानी का कॉलर रख दे तो वक्ती तौर पर तो वो पानी ही रहता है ना, ऐसे ही है, स्टैंड बाय है उसका, लेकिन जब उसको 2-4 घंटे गुजर जाएंगे फ्रिज के अंदर पड़े हुए तो क्या होगा? वो फ्रीज हो जाएगा। अब जितनी भी मेमोरी में आपकी चीजें नई जा रही हैं, नए अल्फाज जा रहे हैं, नए आइडियाज जा रहे हैं, वो स्टैंड बाय मेमोरी में जा रहे हैं, ठीक है? वो कहां जा रहे हैं? स्टैंड बाय मेमोरी। और जो चीजें स्टैंड बाय मेमोरी में जा रही हैं उनकी किस्मत में लिखा है कि वो फ्रीज हो जाएंगी। क्यों? हमने दिमाग को उनका सियाको सबाक नहीं दिया। ये किस चीज का नाम? कोई चीज है, कोई आइडिया है, किसी शख्स का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है, कोई सोच है, कोई सिचुएशन है, कोई कलर है, कोई साइज है, क्या, हमें नहीं पता। अगर उसका कॉन्टेक्स्ट हमने नहीं दिया तो दिमाग ने उसको वक्ती तौर पर, कौन सा वर्ड में बोल रहा हूँ बार बार अभी, जो सीन शीन से शुरू कर, शापलू, तो ये आप कहाँ किस मेमोरी से बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं स्टैंड बाय मेमोरी से, लेकिन यही वर्ड मैं आपसे 10 दिन बाद 15 दिन बाद पूछूंगा तो आपको मैं मान में कोई नहीं होगा कि कौन सा वर्ड जो शीन से मैंने शुरू किया था। आप कहेंगे कौन सा, क्योंकि आपने उसका कॉन्टेक्स्ट दिमाग में नहीं रखा, उसका रेफरेंस, उसका रिलेशनशिप आपने दिमाग को नहीं दिया, तो वो स्टैंड बाय मेमोरी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको दिमाग क्या करेगा,
फ्रीज कर देगा, ठीक है, दिमाग इसको क्या करेगा, फ्रीज कर देगा, फ्रोजन फ्रीज कर देगा, चला जाएगा। इससे जो असल मेमोरी है, जो आपके काम की मेमोरी है, वो है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी तीन मेमोरीज बताइए, स्टैंड बाय मेमोरी, फ्रोजन मेमोरी, और सबसे टॉप पर जो अच्छी मेमोरी है, जो एक्टिव मेमोरी है, जो हर वक्त रेडी रहती है, वो क्या है, वो क्या है, एक्टिव मेमोरी। मेरे मेरे कोट का रंग क्या है, रेड। तो ये कहां से आपको पता चला, मैंने तो नहीं बताया, देखिए सर, ये आपकी एक्टिव मेमोरी से डेटा आ रहा है। ये रेड का वर्ड कहां से आ रहा है, रेड आ रहा है इससे, एक्टिव मेमोरी से आ रहा है, ठीक है, ये एक्टिव मेमोरी से आ रहा है। ये मेरे पास एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, इसका कलर देखिए कौन सा है, क्या कलर है, ठीक है, व्हाइट कलर, रेड, ब्लैक, नहीं मेन कलर कौन सा है, मेन कलर व्हाइट, हाफ व्हाइट, मेन कलर हाफ व्हाइट, हाफ व्हाइट है। तो हाफ व्हाइट का वर्ड मैंने तो नहीं बताया, कहां से आ रहा है, आपकी मेमोरी में बार बार आप देखते हैं, रेड भी बार बार देखते हैं, ऑफ व्हाइट भी देखते हैं, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ग्रीन, ग्रीन कहां से बता रहे हैं, किस किस जगह से आ रहा है, ये मेमोरी कहां से आ रही है, एक्टिव मेमोरी, एक्टिव मेमोरी से। ये वाला कौन सा कलर है, ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोबाइल। ये आपकी कहां से आ रहा है, हर रोज इस्तेमाल हो रहा है, हर रोज इसका रेफरेंस है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो मैं बैठा हूं आपके लिए, ठीक है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कॉलिंग के लिए, मोबाइल फोन है, आप इसके लिए तार की जरूरत नहीं, कहीं भी ले जा सकते, तो इसका हमें हर रोज इस्तेमाल हो रहा है, जो चीज हर रोज इस्तेमाल में रहती है वो क्या है, एक्टिव मेमोरी में रहती है। एक्टिव चीज आप एक मरतबा 100 मरतबा रट्टा भी लगा लो, शापलू 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 1000 मरतबा रट्टा लगा लो, 10 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग को हमने उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, यानी उसकी रेपिटेशन की तादाद मैटर नहीं करती, कितनी मरतबा आपने रिपीट किया, उसको कॉन्टेक्स्ट दिया कि नहीं दिया, अगर आपने उसको रेफरेंस नहीं दिया, सियाको सबाग नहीं दिया, तो आप 1000 मरतबा भी रट्टा लगा लें, उसने आखिरकार आपसे दिमाग से निकल जाना है, फ्रोज हो जाना है। याद रखें कि दिमाग में जो चीजें भी जा रही है, कानों से, आंखों से, स्मेल से, टेस्ट से, टच से, 5 सेंसेस से जो भी डेटा जा रहा है, सारी जिंदगी का पहले दिन के सांस लेने से लेकर आखिरी सांस तक आपके दिमाग में रहेगा, कहीं नहीं जाता, वो उधर ही पड़ा है, लेकिन क्या है, वो फ्रीज हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, वो हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। आप क्या चाहते हैं कि आप जो सीखे वो हार्ड हो जाए, फ्रीज हो जाए, जो आपके काबिल इस्तेमाल ना रहे, या एक्टिव रहे, रेडी रहे, जब चाहे कहां इस्तेमाल कर ले, ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि जो भी चीज सीखो उसका सियाको सबाक आपके पास होना चाहिए। ये किस चीज का नाम है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और दिमाग दो और पॉइंट लगाता है उसके साथ, जिसकी बुनियाद पर ये फैसला करता है दिमाग, आप फैसला नहीं करते, दिमाग फैसला करता है, इसका मतलब आप और चीजें, आप अलग है, दिमाग अलग है, आप में से डल तरीन इंसान और इंटेलिजेंट तरीन इंसान का दिमाग इंटेलिजेंट है, जिसको आपको, आप में से जिसको लगता है कि मेरा दिमाग बहुत डल है, ठीक है, मेरा दिमाग बहुत डल है, आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, आप डल है, आपका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, क्लियर है, आप अलग है, yes, आपका दिमाग अलग है, दिमाग के अंदर एक नेटिव, अल्लाह अल्लाह ताला ने खुद कुन फयकून एक सलाहियत दी है, वो खुद फैसले कर रहा होता है कि ये वाला डेटा जो ये इंफॉर्मेशन दी है, इसको मैंने एक्टिव मेमोरी में रखना है या इसको मैंने फ्रीज कर दिया, दिमाग ये आपसे पूछे बगैर खुद फैसले कर रहा होता है, किन बुनियादों पर फैसले कर, ऐसी चीजें जिनका सियाको सबाको दिमाग के पास, रेफरेंस हो, किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको एक्टिव मेमोरी में रखता है। और सियाको सबाक कैसे आता है, जब आप तवज्जो और दिलचस्पी से चीजों को लेते हैं, अगर आपका ध्यान कहीं और है, मैं कोई चीज बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सियाको सबाक भी दे रहा हूँ, लेकिन आप रजिस्टर दिमाग में नहीं हो रहा, दिमाग रजिस्ट्री करता है हर चीज की, और दिमाग के पास एक पूरा खाता सिस्टम है, जो भी चीजें आप उसे लिख रहे हैं, दे रहे हैं ना, तो उसको वो खाता में डाल रहा है, ठीक है, वो रजिस्टर करता है। अब शापलू आपके जहन में रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि शापलू का कोई रेफरेंस कोई नहीं है, शापलू का कोई रेफरेंस नहीं है, अभी स्टैंड बाय मेरे में पड़ा है, लेकिन 8-10 दिन बाद ये फ्रीज हो जाएगा। हुबलू वाला आपको वर्ड नहीं भूलेगा, जब भी हुबलू दोबारा बोला जाएगा, मुझे प्यास लग रही है, मुझे हुबलू ला के दो, शुंतु होना चाहिए, तो शुंतु हुबलू आपको क्या होगा, नहीं भूलेगा, क्योंकि दिमाग ने उसको प्यास के साथ, गिलास के साथ, ठीक है, अटैच कर, बहुत गर्मी है, शुंतु ले आना, शुंतु होना चाहिए, बहुत गर्मी है, ठीक है, शुंतु, तो शुंतु को गर्मी के साथ उसने रिलेट कर दिया, अटैच कर दिया, अटैच कर दिया, तो इसको अटैच करके जो जब दिमाग रखता है,
तो दिमाग इंटरनल इंटेलिजेंस के जरिए ये खुद ब खुद तय कर रहा था, आपसे पूछा नहीं दिमाग ने। अब आप चाह रहे होंगे कि शापलू का मनी भी आपके जहन में बढ़ जाए, आपके चाहने के बावजूद भी वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दिमाग का जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए, उसको एक्टिव मेमोरी में जाने के लिए जो डायनेमिक्स है, जो पॉइंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो पूरे नहीं हो रहे, तो आप जितना भी चाह लें वो भूल जाएगा। जो लोग रटे लगाते हैं वो क्या चाहते हैं कि भूल जाए उन्हें, ठीक है, लेकिन जितने भी रटे लगा लो आखिरकार उसने भूलना है, आपको भूल जाना है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो परमानेंट एक्टिव मेमोरी में जाने के लिए क्या जरूरतें हैं कि आपने जो भी दिमाग को देना है उसका रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट समझ दूर, रजिस्ट्री, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, किधर से है, क्या है, कहाँ है, क्या चीज है, उसका पूरा बायो डेटा आप दिमाग को देंगे तो दिमाग उसको अपने पास खाते में लिख लेगा, रजिस्टर कर लेगा, और वो परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा। और ये एक मरतबा करना ही काफी है, एक मरतबा ही करना काफी है। आप जो कहानी सुनते हैं, आपने वो देखा है ड्रामा परिजात, ठीक है जी सर जी, एक किस्त को 10-10 मरतबा तो नहीं देखा आपने? नहीं सर, एक ही मरतबा देखा सर। कौन सी किस्त का कौन सा सीन ऐसा है जो किसी को भूल गया हो, सारा याद है, जो देखा है एक ही मरतबा देखा, ठीक है जी सर, एक ही मरतबा देखा है। तो एक ही मरतबा देखने में दिमाग को पता है, क्योंकि दिमाग ने उसका कॉन्टेक्स्ट दिमाग के पास है, रेफरेंस दिमाग के पास है, किस सिचुएशन पर क्या हुआ, उसका रंग क्या था, सफेद था या काला था, ठीक है, पहले दाढ़ी थी या बाद में दाढ़ी थी, पहले अमीर था या बाद में अमीर हुआ, ठीक है, उसकी कितनी बहनें थी, एक, ठीक है, भाई कितने थे, दो भाई। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, आपके दिमाग में कहां से उठ के आ रही हैं, क्योंकि आपके पास सारा सिचुएशन, सैको सबाक, रेफरेंस, सारी चीजें आपके दिमाग ने अपने पास रजिस्टर कर लिए। आज से 10 साल बाद ही पूछा जाए तो आप बता सकेंगे। आप में से किसी ने गेस्ट हाउस देखा हुआ है, गेस्ट हाउस ड्रामा, ठीक है, नो सर, मैं चेक कर रहा हूँ उम्र किसकी किसकी की कितनी कितनी है सर, रंबो वाला देखा हुआ है। तो उसका कौन सा था जिया भाई, उसका हीरो कौन था, रंबो, रंबो ही था, ठीक है। गेस्ट हाउस का मालिक का नाम क्या था, वो देखे नाम भूल गया सर, चलो उसके साथ एक और भी होता था, रैम्बो के साथ एक और भी होता था, ठीक है, उसके स्टाफ में और कौन भी थे। अब जब आप आ आ करें तो आप वो सैको संगाल खंगाल रहे हैं, असल खंगाल रहे हैं, बिल्कुल सही, कमाल, कमांड चली गई आपके दिमाग में और अब आप खंगाल रहे हैं। अभी अभी आ जाए या 10 मिनट बाद आ जाए, आपके शक्लें याद है, शक्लें याद है लेकिन नाम नहीं याद, शक्लें याद है, शक्लें याद है। जो दूसरा बंदा साथ होता था उसने एक रुमाल पहना होता था साथ, रुमाल वो बांधना होता था, बिल्कुल, किस कलर का रुमाल था, किस कलर का रुमाल था, रुमाल रेड कलर का, रेड कलर का था, देखो कहां से आ रहा है, ये 20 साल पहले का ड्रामा मैंने देखा हुआ, 20-22 साल पहले, इससे भी ज्यादा, लेकिन अभी तक याद है, क्यों, क्योंकि हमें उसका कॉन्टेक्स्ट याद है। अगर हम 40 साल बाद भी कमांड देंगे ना दिमाग को, तो वो कॉन्टेक्स्ट से निकाल के ले आएगा, फौरी तौर पर अगर नहीं भी आएगा ना तो वो याद कर लेगा, वो कमांड चली जाएगी दिमाग को कि भाई ये रजिस्ट्री, इसकी रजिस्ट्री निकाल के ले आओ, ठीक है। आप उसको सिर्फ एक कमांड दे देते दिमाग को, वो उसकी पूरी रजिस्ट्री खंगालता है और 40 साल पुराना डेटा आपको 2 मिनट में निकाल के दे देता है। उसका नाम था, जो उसके साथ होता था, उसका नाम था शमीम, सॉरी मुराद, मुराद था, ये मालिक का नाम था, मुरीद, मुराद था, मालिक का नाम मुराद, साथ कोलीग था, मालिक का नाम था शमीम, ठीक है, और जो मैनेजर था उसका क्या नाम था, मुराद, बाउनवीद, बाउनवीद है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कहां से आ रहे हैं सारा डेटा, क्योंकि दिमाग ने फोकस होकर सीखा था, दिलचस्पी से लिया था, ठीक है, और उसने उसका सियाको सबाक रजिस्टर्ड है दिमाग में, आज से 50 साल बाद भी मुझसे पूछा जाएगा तो बता सके। एनक वाला जिन किसको याद है, मुझे याद है, एनक वाला जिन में, एनक वाला जिन के अलावा एक और जिन था जो उठता था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, ठीक है, कहां से आ रहे हैं आपके दिमाग में ये, कैसे आपको ऐसे फौरी रेडी कैसे हो गया, किस मेमोरी में पड़ा हुआ, फ्रोजन में, स्टैंड बाय में या एक्टिव मेमोरी से, कहां से निकाल रहे हैं आप, एक्टिव मेमोरी, एक्टिव होने की वजूहत बता दी कि आपने उसे दिलचस्पी से, ध्यान से, फोकस से सुना, देखा, और जब दिलचस्पी और ध्यान से किया जाता है तो दिमाग उसका सियाको सबाक, उसकी रजिस्ट्री
क्या है, कहाँ है, कब है, कैसा है, सब चीजें दिमाग रजिस्टर करता है, ठीक है। उसका रंग, उसका साइज, उसका टाइम, उसका उस वक्त मौसम कहता था, सर्दियां थी या गर्मियां थी, और लिटरली ये भी कि वो किस आपने किस घर में बैठ के देखी थी, घर में देखी या किसी होटल में देखी थी, दिमाग को वो भी याद है। उस वक्त सर्दी थी या गर्मी थी, आज से 40 साल पहले चीज देखी वो सर्दी थी या गर्मी थी, सर्दियां थी या गर्मियां थी, वो भी याद है। उस वक्त जब आप देख रहे थे आपके पास और कौन लोग बैठे, दिमाग को ये भी याद है। आपने कलर कलर स्क्रीन पर देखा था या ब्लैक एंड व्हाइट पर देखा था, दिमाग को ये भी याद है। समझ आ रही है हाउ ब्रेन लर्न्स लर्निंग, समझिए बात। तो आपको रटा लगाना चाहिए, आपको रटा लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप अब शापलू के ऊपर हम बात करते हैं, आप लोग दोबारा ज्वाइन करके आ जाए क्योंकि टाइम आउट हो गया, राइट, ठीक है। सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लें और माइक सबने बंद रखें। अच्छा जी, हुबलू शापलू ये सारी मिसालें देकर मैं क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग जिन चीजों का कॉन्टेक्स्ट दिमाग के पास होता है, दिमाग उनको खुद ब खुद याद रखता है, और जिनका जिन मामलात का कॉन्टेक्स्ट दिमाग के पास नहीं है, जिन चीजों को दिमाग ने फोकस से, दिलचस्पी से, अटेंशन ने वसूल नहीं किया है, आप दोष लगा के, रट्टा लगा के जो भी कर ले, जो भी खप ले, दिमाग उसको नहीं रखेगा। आप जितने तरले ले लो दिमाग के, दिमाग उसको अपने पास परमानेंट एक्टिव मेमोरी में स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग को आपने फोकस और दिलचस्पी वाला डेटा नहीं दिया। तो तालीम क्यों दिमाग नहीं पढ़ती, कहानी सारी पढ़ जाती है। सारी रात किसी ने कहानी सुनाई हो तो हमें कहानी सारी याद रहती है, एक एक किरदार, एक एक सिचुएशन। हमें अर्तुगरुल गाजी सारा याद है, कितने कुछ 200 किस्तें देखी होगी, एक एक घंटे की सारी किस्तों का एक एक सीन याद है, लेकिन किताब का सबक एक पेज का याद नहीं है। ऐसा क्यों है, क्या फर्क है, ऐसा क्यों है? दिलचस्पी का, कि उसमें दिलचस्पी और एंटरटेनमेंट नहीं थी। तो दिमाग क्या करता है, आज से ये सीन लिख लीजिए, दिमाग हंट करता है, लगातार तलाश करता है एंटरटेनमेंट को। दिमाग दूर भागता है बोरियत से, और दिमाग उसकी तरफ भाग भाग के जाता है, लौट लौट के आता है एंटरटेनमेंट की तरफ। आप एक दिन में कितनी मरतबा टिकटॉक खोलते, फेसबुक, टिकटॉक, ठीक है, कितनी मरतबा, इतना कितनी मरतबा खोलते हो? 5-6 दफा। अपने मर्द अपने कैमरे खोले रख लो, पर्दा क्यों रखते हो, मैं नहीं कर रहा, तो तुम्हें कहना किसी ने चट जाने। अपने कैमरे खोले रखा करें, मजे से सीखते यार। मैं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके जेन में रजिस्टर हो रहा हूँ, आप मेरे जेन में रजिस्टर नहीं हो रहे, मुझे सिर्फ आवाजें रजिस्टर हो रही हैं, सही है। मैं जब जब बाहर निकलता हूँ, मैं किसी शहर में किसी और में जाता हूँ, तो मुझे खवातीन पहचानती है, बहुत सारी खवातीन पहचानती, मैं किसी को नहीं पहचानता। क्यों, उन्होंने मुझे देखा हुआ, मैंने किसी को नहीं देखा हुआ। आवाज से थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ, रेफरेंस लेने की कोशिश। आप रहते कहाँ पे हैं? रहते कहाँ पे आप? मैं मरीख, मरीख पर, ठीक है, उधर प्लांट में बड़ा 4-5 एकड़ का बड़ी कंस्ट्रक्शन कर लिया। सर मुझे भी ले दे, आ जाए, आ जाए, ले दे तो सस्ता, 100 रुपए, 100 रुपए एकड़, 100 रुपए एकड़। सर अब नजर आ रहा हूँ। हाँ आ रहे यार, ऐसे करके बैठा करे, बाहू बन के बैठा करे, तुम यानी जिम्मे छुप के कुड़िया ने कहा, कही खवातीन का तो मामला है ना, वो तो उनको तो हमें समझ में रखना है, ठीक है। तो अच्छा, इधर तो बड़ी दुनिया भी बैठी जिनको मैंने लिया ही नहीं अंदर, उधर रश बन जाएगी। अब आपको झोपड़ी में पढ़ रही है पहले, आप झोपड़ी में पढ़ रही है बात, कि दिमाग कैसे वसूल करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है जी सर। ठीक है सर, वो तो हो गया। अब मैं थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरह हम वोकैबुलरी याद करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड्स को हम इसी तरह अपने माइंड में रखें। याद करना नहीं है, मतलब निकालना है। आप मुझे अपनी हिम्मत करें, मुकद्दस ऐसे करें, आपको 10 दिन बाद हम चेक करेंगे, ठीक है मुकद्दस, आपसे सवाल है मेरा। जी सर। 10 दिन आप जोर लगा लें, जोर लगा लें, पूरा जोर लगा लें, मुझे हुबलू भूल के दिखाइएगा। 10 दिन बाद आपसे पूछूंगा मैं, 10 दिन बाद नहीं भूल सकता, और हुबलू मुझे भूल के दिखाइए। मैं चाहता हूँ आप भूले, भूल के आए, मैं चाहता हूँ आपको मैं इनाम दूंगा अगर आपको भूल गए। ठीक है, फादिया माइक बंद रखे, फादिया माइक बंद रखे। हुबलू क्यों नहीं भूलेगा, क्यों नहीं भूलेगा? इसलिए कि आपने उसके हिंट दिए, मैंने उसके रेफरेंस दिए, उसका उसका क्या है, कहाँ से है, किस चीज के लिए, उसका किस सर्दी से ताल्लुक है, गर्मी से ताल्लुक है, खाने से ताल्लुक है, पीने से ताल्लुक है, पहनने से ताल्लुक है, मैंने क्लियर कर दिया।
आप कोशिश भी कर लेना भूलने की तो भी ये भूलेगा नहीं, ठीक है। और जिसका मैंने शापलू बताया, आप लड़ ले, खप ले, उल्टे लटक जाए, दिन रात हिफ्ज कर ले, मन ही आपके दिन में नहीं आना, ठीक है जी सर। क्योंकि सर आपसे एक सवाल था इसमें, बेटा पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो, इसमें आपके इंटेलिजेंट और डल होने का कोई फर्क नहीं है। किसी को लगता है कि मैं डल हूँ, किसी को लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये फर्क गलत फहमी है। अच्छा ये कौन है भाई आपका माइक में नॉइज है? माइक बंद रखे, आप माइक बंद रखे, जिसका माइक में नॉइज मांग रखे। अब आप ये देखिए कि याद करना कोई अमल नहीं है, इसकी डिक्शनरी में वर्ड ही जो लिखा हुआ गलत है। अगर लिखा हुआ है तो याद करने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लर्न बाय हार्ट। क्या कहा जाता है? कभी ऐसा किया लर्न करना? याद करने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लर्न बाय हार्ट। उसमें अपना दिल डाल लो, जो चीज चाहते हो कि तुम्हें याद रह जाए उसमें अपना दिल शामिल करो, दिल डालो। अगर दिमाग शामिल है, दिल शामिल नहीं है तो वो याद नहीं रहेगा, नहीं रहता। दिमाग शामिल होना चाहिए, जो आप सीख रहे हैं, जो आप लर्न करें, उसमें अगर आपका दिल और दिमाग दोनों एक पेज पर नहीं है तो वो नहीं याद नहीं रह सकता। एक और मैंने आपको एलिमेंट बताया कि दिमाग सारा दिन फिल्टर करता है, आपको सुबह से शाम तक देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठंडा गर्म भी महसूस कर रहे हैं, टेस्ट भी आ रहा है, ठीक है, स्मेल भी आ रही है, टच भी कर रहे हैं। तो कितने चैनल हैं दिमाग के पास डेटा भेजने के? फाइव। जो सेंसेस है वो क्या है? असल में दिमाग के लिए इनपुट या लर्निंग चैनल्स हैं, ठीक है। जब तक आप सुबह से शाम तक सारा दिन जागते फिर रहे हैं, आपको एक और मिसाल करते हैं हम, आप अब आज की अगर करिएगा, सुबह खड़े करिएगा, सुबह आपने तजर्बा करना है, आपने कैमरा ऑन करके, ऐसे कैमरा ऑन करके सड़क पर खड़े हो जाना, सड़क पर खड़े हो जाना, ठीक है। कैमरा ऑन करके सड़क पर खड़े हो जाना और जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनको आपने एक मिनट के लिए रिकॉर्ड करना। कर सकेंगे? कर सकेंगे ये, ठीक है। यस सर। आपने सड़क के किनारे खड़े हो जाना और जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनका जो आवाजें आ रही हैं और जो उनकी जो शक्लें हैं गाड़ियों की, वो आपने कैमरे में एक मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी, ठीक है। कैमरा इधर, कैमरा इधर देखता रहा और आपने भी उसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट में कितनी ट्रैफिक गुजर जाएगी आपके ख्याल में? कितनी एक गाड़ियां गुजर जाएगी मेन जो मेट्रोपोलिटन सिटीज की मेन सड़क होती है, और के लाहौर का रिंग रोड कर ले, 150 सर, 150-200 गाड़ियां गुजर जाएंगी। 100। क्या आपको एक मिनट गुजर जाने के बाद पता है वो हर गाड़ी का रंग क्या था, किस कंपनी की थी, क्या साइज था, क्या उसकी आवाज थी, उसके शीशे किस कलर थे? नो, याद रहेगा? नो सर। कैमरे को याद रहेगा? जी सर। यस जी। कैमरे को याद रहेगा, इसका मतलब कैमरा आपके दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने महसूस कर लिया है, उसमें एक्टिव और वो स्टैंड बाय और फ्रोजन मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो रिकॉर्ड कर दिया वो स्टोर हो गया। लेकिन दिमाग का लोचा है ये, दिमाग सिर्फ उसको याद रखा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का, दिमाग सिर्फ उसको याद भी रखेगा, उसको पहचानेगा भी, दूर से पहचान लेगा कि या तो आपने पहले देखी हुई है या आपको बताया गया रेड कलर की गाड़ी है, मेहमान आ रहे हैं, आपका रिश्ता देखने आ रहे हैं और उन्होंने बताया है, ठीक है, कि वो होंडा सिविक आएंगे रेड कलर की, ठीक है। 200 गाड़ियों में और कोई याद रहे ना रहे, वो रेड वाली होंडा सिविक याद रहेगी, याद रहेगी, ठीक है। क्योंकि दिमाग क्या करता है? दिमाग हंट करता है एंटरटेनमेंट को, ठीक है। बाकी सारे आप वो 200 गाड़ियां एक मिनट में नहीं, 24 घंटे में इतना काम हो रहा है, इतना कंटेंट आ रहा है दिमाग के पास जो उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा है, तो वो उसे जाया नहीं करता, भूलता दिमाग कुछ भी नहीं है। नहीं, आज से ये गलत फहमी दूर कर ली, दिमाग कुछ भी नहीं भूलता, दिमाग के अंदर ही रहता है वो जो 200 गाड़ी है वो भी दिमाग के अंदर है, सिर्फ वो फ्रीज हो गई है साथ, ठीक है, उसकी लाइफ बहुत कम थी, ठीक है। हाँ, अगर उसको रेफरेंस दे दिया जाए कि रेड कलर की होंडा सिविक, ठीक है, या वाइट कलर की कल्टस, सुजुकी कल्टस, ठीक है, या छनकने वाला साइकिल, या बता दिया छनकने वाला साइकिल, ठीक है, सही है, या सर पर हैट पहना हुआ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आदमी, तो आपने क्या दिया? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाब, उसके साथ जुड़े मामलात,
दिमाग को जब बता दिए तो दिमाग उनको उन कॉन्टेक्स्ट उन रेफरेंस से याद रहेगा रखेगा, बाकी 200 गाड़ियां बुला देगा, ये जो 2-3 रेफरेंस आपने जेब में रखे हैं वो याद। यस, तो आपका रिश्ता देखने वाली गाड़ी जो आनी है उसका कलर कौन सा है? रेड होंडा स्विफ्ट। वो कलर मुख्तलिफ हो फिर भी नहीं भूलने वाला, कभी नहीं भूलते क्योंकि जो रिश्ता हो गया तो कभी नहीं भूलेंगे। रिश्ता हो रहा है ना, आप धक 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 कर रहा है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो दिमाग को समझे, दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग को समझ लेंगे, ये आपको अल्लाह ताला ने कुन फयकून एक चीज दी है, आपको बहुत बड़ा इनाम दिया है, इसको समझ के इससे इस्तेमाल करें अपने फायदे में, सिर्फ इस काम के लिए नहीं जिंदगी के किस काम में लगाओगे ना इन चीजों को जहन में रख के, तो वो एक मरतबा ही काफी है। और मुकद्दस ने कहा था ये सर हमें याद करना है, तो याद करना कोई अमल नहीं है, एक गलतुल आम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, दिमाग खुद ब खुद याद रखता है जिस चीज को आपने रेफरेंस दे दिया, जिस चीज का जिस चीज में आपने फोकस किया, जिस चीज की दिलचस्पी से किया और जिस चीज को दिमाग ने रजिस्टर कर लिया एक ही मरतबा में, वो दिमाग याद रखेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद याद रखेगा। मैंने अनेक वाला जिनकी मिसालें दी, मैंने गेस्ट हाउस की मिसालें दी, ठीक है। मैं दिन से पूछूं जिस दिन वो रिश्ता देखने आए थे कौन से कपड़े पहने हुए थे, या तुम जब देखने गए थे, तो याद है, सारा याद है, है? सब याद है, सब याद है, नहीं भूलता क्योंकि वो दिलचस्पी बड़ी थी, रातें जाग जाग के बातें की हुई है, वो याद है, ठीक है। लेकिन अब्बा जी ने सुबह जो नसीहत की थी आज वो याद नहीं है, हमारे काम की नहीं थी ना, वो डल थी, बोरिंग खड़ूस, अब्बा खड़ूस हो गया है। तो दिमाग क्या सर्च करता है, जो एंटरटेनिंग चीजें होती है, दिमाग मुड़ मुड़ के टिकटॉक खुलवाता है, टिकटॉक खुलवाता है, टिकटॉक खुलवाता है। मेरे मोबाइल में जो है वो क्या कहते हैं, मैंने वो किंडल भी इंस्टॉल किया हुआ है, किंडल इंस्टॉल भी किया हुआ है, मेरे पास किंडल डिवाइस भी है, मेरे मोबाइल में किंडल भी मेन पेज पर है और टिकटॉक भी मेन, हालांकि टिकटॉक मैंने अंदर घुसा के कहीं छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। हफ्ते बाद वो उसको याद आता है, किंडल खोल के किताब भी पढ़नी है, लेकिन दिन में 10 मरतबा 20 मरतबा अनगिनत मरतबा वो किधर जाता है, टिकटॉक की तरफ। और टिकटॉक आपने खोल लिया एक मरतबा तो 2-4 घंटे गए, होता है ऐसा, ठीक है। ऐसे समझे दिमाग के लोचे को, दिमाग के लोचे को समझे, लोचे को समझ के दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू करें। ये खोपड़ी को इस्तेमाल तभी होती है जब आप खोपड़ी को समझेंगे। अक्सर आपको कहा जाता है अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कैसे करूं ये तो बताया नहीं, आज आपको ये क्या पता चला, दिमाग को इस्तेमाल कैसे करना है, पता चल गया कैसे करना है कि दिमाग को जो चीज चाहते हो याद रहे उसके साथ कोई दिल लगी वाली चीज दे दो, मंगनी साथ अटैच कर दो, है? वैसे आपको वो गाड़ी याद हर बात को यही समझे कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, रिश्ते वाले आ रहे हैं, जो चीज आप चाहते है, जो चीज आप चाहते है कि ये चीज मुझे याद रहे, ये कभी ना भूले, आप ये समझ ले आज मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, मैंने हर चीज ध्यान से देखनी, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है जी सर। तो अदनान अपना हो गया रिश्ता के होना है अजय सर, अभी होना है हो देख लो, ओए होए तो गाड़ी का कलर भी याद रखना और गाड़ी कौन से कंपनी की है, होंडा स्विफ्ट रेड कलर की, और रेड कलर की ए, मैं नहीं करनी है ना, वो ना समझी बैठे हुए कि सर ने करनी है, वो हो सकता होर होवे पर वो दसन गए सही पहले जी सर, वो बताएंगे आने से ही, वो मैं ऐसा ना करना, सर ने कहा था होंडा सिविक तो होंडा सिविक आवे ही ना, तो परेशान हो, वो आने से पहले बताएंगे कि होंडा आएगी, सुजुकी आएगी, सुरख आएगी, नीली आएगी, सफेद आएगी, या बाइक पर भोंकू के साथ एक लड़का आएगा, है आएगी। अब नींद आज आज नान को नींद नहीं आनी, ये तयशुदा बात है, है? सर भावे हो गए तो भावे ना, तुम गलत साढ़े दिल की ना, है खुशी, ये बात इसलिए याद रहेगी कि इसमें दिल शामिल हो गया, तो आपने आज के बाद जो भी सीखना है आपने खुद से सवाल किया है सीखते वक्त मेरा दिल शामिल है इसमें, अगर जवाब हाँ है तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी पर नोट करने की जरूरत नहीं है, ये बेहतरीन कॉपी है, ये परमानेंटली स्टोर कर लेगा खुद ही, और अगर दिल शामिल नहीं है तो दिन रात कर दो, हिफ्ज कर दो, दीवे जलाओ, नाकों में वो गिजन डालो वो काली काली हो के सारी रात पढ़ के भी अगले दिन पेपर में आपको कुछ नहीं जेहन में रहना, होता है ऐसा, ऐसा ही होता है, होता है। तो मैं तुम्हें एक खड़ूस आदमी तुम्हें केड़ी गल दस रहा, तुझे फॉलो करना है तो गल बननी सही है, ठीक है।
तो मुकद्दा साहब को पता चला कि याद करना कोई अमल नहीं है, दिमाग खुद फैसला करता है ये याद रखना है या नहीं रखना। आपके कहने से दिमाग याद नहीं रखेगा। अगर आप कहें ना दिमाग को ये याद रखना, वो कहेगा मैंने तुम्हारी मानता बात। वो कहता है जो मेरे पैरामीटर्स हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी कर दो। आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि याद रखो। ठीक है, आज के बाद मुकद्दा साहब दिमाग को कहोगी कि ये फला फला फिक्रा याद रखो, या उसे वो सिचुएशन दे दोगी मंगनी वाली है, बारात वाली है। सर मैं ससुराल वाली दूंगी। अच्छा, दो चीजें याद रहती है, दो चीजें याद रखी है रहती है, बहुत खुशी वाली, बहुत गमी वाली, बहुत गुस्से वाली, बहुत प्यार वाली। ठीक है, मुकद्दस से पूछें कि आपकी सास कौन कौन से आपके बारे में, नाक कब कब टेढ़ा करती है, उसे हर लम्हे का याद है, हर लम्हे की याद है, बिल्कुल सही याद है, यस और नो। यहाँ पे कौन प्रैक्टिस हुई हुई है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस है मुझे, बिल्कुल। अम्मी किस किस बात पर प्यार करती है, अम्मी क्या क्या चीजें बनाने खाने खिलाती है, कौन कौन सा लाड करती है, सब याद है। ठीक है, लेकिन ऐरी गहरी सारी चीजें दिमाग छोड़ आया पीछे। ठीक है, ऐसे तो आप देखें कि जो चीज आप चाहते हैं याद रहे उसमें मोहब्बत या नफरत, इसे कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट, अटैचमेंट फिर क्या हो गया, सियाको सबाक, किस मकसद के लिए याद रखा जाए। ठीक है, अच्छा अब शापलू किसको याद, तो मैडम नजीर बेगम शुंतू क्या होता है, शुंतू इनमें से हुबलू शापलू या वो शुंतू का मानी, मैंने तो बताया किसी को नहीं। नहीं। आप टीचर हो सारे, आप तो आप लोग खुद टीचर है, बड़े सियाने लोग हैं, आपको पता है। अब आप कहेंगे सर उन्होंने सानू तो दसिया नहीं, सर सेकंड ये कि स्टेटमेंट के साथ सबटाइटल के साथ कुछ भी मेरा ख्याल है आई थिंक नहीं देखना चाहिए कोई मूवी कोई स्टेटमेंट, वो बोरिंग चीज है ना, टेक्स्ट बोरिंग चीज है, विजुअल एंटरटेनिंग चीज है, विजुअल में समझे, विजुअल yes, अगर वो स्टेटमेंट होगी तो हम उसी में उसी को देखते रहेंगे, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अच्छा ठीक है, अब जब मैंने बोला मुझे हुबलू ला के दो, तो मैंने क्या दिया, कुछ दिखाया कुछ बोला, तो दिमाग ने किस तरह से स्टोर किया डेटा, विजुअल से और आवाज से। ठीक है, आवाज, और अगर आप इधर बैठे हो तो पता चले आपको कि यहाँ गर्मी बहुत है, ये ठंड बहुत है, तो आप महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, जी जी। अच्छा, आप आज के मौसम के बारे में बता रहे हैं, आपको किसको बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कोई ऐसा है? ठीक है, हाँ जी है। किसको शिवरिंग वाली ठंड लग रही है, ठंड मुझे लग रही है तो किसको लग रही है, ठंड में पीने की कोई चीज है, ठंड में पीने की कोई चीज है। ठीक है, मेरा नाक भी बह रहा है और जो है ना वो क्या कहने, ठंड भी बहुत है, मुझे थोड़ा सा ना शापलू बना के दो, कावा सर जी। कितनी सियानी कौम है, कितनी सियानी कौम है, कितनी इंटेलिजेंट कौम है। मैंने नहीं बताया, सब याद, सब पता है, कैसे पता है, कैसे पता है आपको। ठीक है जी, मैडम मैडम हुबलू क्या है, मैडम नजीर नजीर बेगम हुबलू क्या है, ठंड, कावा, हुबलू 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 पानी, अच्छा हुबलू पानी, पानी पानी क्या है, सोंडा, ठीक है ठंडा। और मैं कहूँ किंटू, किंटू शुपलू लाना, किंटू शुपलू, तो किंटू क्या है, एजी कावा, किंटू होना चाहिए, किंटू होना चाहिए, किंटू होना चाहिए, गरम होना चाहिए। तो आपने हिंदू को किससे जोड़ा, कावा गरम ही होना चाहिए, कावा ठंडा थोड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो शुंतू बुबलू कुंतु किंतु शापलू, ये कोई वर्ड नहीं है, गलत फहमी में ना रहने, सर सामने खड़े कर दिया, खुद ने भूल जाना ना, मैंने किसी जुबान से पूछेंगे, मैंने आपको आज कोशिश की है
जो बारीक दिमाग वाले उनके अंदर घुस गई होगी, जो मोटे दिमाग वाले उनके अंदर भी मैंने घुसाने की पूरी कोशिश की। दिमाग चीजों को किस वजह से याद रखता है, आप वजह दे देंगे तो उसे कहने की जरूरत नहीं याद रखो, अगर वजह नहीं देंगे, दिमाग को याद रखने की वजूहात नहीं देंगे तो आप दिन रात हिफ्ज कर लो, आपको नहीं पल्ले पड़ने वाले। ठीक है, सारी रात रटे लगाया पेपर के वक्त दिमाग बुलाया, और उसका कोई एक पॉइंट अगर याद आ जाए तो बंदे की कलम शुरू होती है दड़ करके लिखा जाता है, अगर वो एक पॉइंट नहीं आया तो सारे के सारा ऐसे जाया होगा, होता है ऐसा उर्दू की तशरीह करते, यानी उसका कोई स्टार्टिंग कर सकते हो। जी जी सर, एक क्वेश्चन ये कि जैसे लिसनिंग है, आर्ट्स की जैसे लिसनिंग है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, मीन आर्ट्स की लिसनिंग जो आती है तो उसकी प्रैक्टिस ये इसी तरह मूवीज वगैरह देखकर। आपने बहुत ही गलत बंदे से सही वाला सवाल पूछा, आपने इंतहाई गलत बंदे से, जो इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट बंदे से बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा। सही है, पाकिस्तान में लोग चाहते हैं रट्टा लगा के आइल्स करना, मैं इस मजहब का आदमी नहीं हूँ, वेरी फ्रैंक, मेरा ये मजहब नहीं, मैं तो चाहता हूँ 6 साल लग जाए समझ के जाओ। अगर कोई और कहता है मैं हफ्ते में आपको रट्टा लगवा के करवा दे जाऊंगा, जाओ उससे करो, मैं वो पर्सन नहीं, मैं इस बात का समझ का बंदा हूँ, मैं कहता हूँ समझ के करोगे तो हाथी जीता हुआ लाख का, मरा हुआ सवाला। अगर आप समझ के अंग्रेजी को कर लोगे तो आयल्स हो गया तो तुम यूके अमेरिका चले जाओगे, और अगर आयल्स ना हुआ अंग्रेजी आ गई तो इधर बैठ के अमेरिका लगा लोगे। ठीक है, तो सर जो यूके अमेरिका में बैठे हुए हूँ उनके बारे में फिर क्या ख्याल है? वो मैं क्या क्या ख्याल कर सकता हूँ, मैं तो इतने अमरीका लाया कि नहीं लाया। अच्छा सही, मैं एक टीचर हूँ, एक मिनट बेटा, मैं अदनान तुम्हारे 2-3 सवाल मैं लेता हूँ। मैं एक टीचर हूँ अंग्रेजी जुबान का, और जितने एक आम पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट अंग्रेजी का टीचर एक महीने में पैसे कमाता है, मैं 1 घंटे में कमाता हूँ। ठीक है, सही बात है। तो मैनू की जरूरत है अमरीका जाने की, कमला होगा मैं जो अमरीका जाके तुर बैठ जाऊँ। सही है, कोई जरूरत नहीं। तो अगर अंग्रेजी सही तरह से आ गई ना, सही तरह से आ गई तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, रट्टा लगा के मैं वो पर्सन नहीं हूँ, मैं वेरी फ्रेंकली, मुझे रट्टे वाली एक पैराग्राफ भी याद रहता। ठीक है सर, देखिए यूके से हम पाकिस्तान आपके पास आए हैं यही कुछ सीखने के लिए, अपनी परफेक्ट इंग्लिश करने के। तुसी केड़ा उत्थे पढ़न गए सी, तुसी तो भी उत्थे समझ गए इत्थे आए हो, वो तो वैसे आप सीख। ठीक है जी अदनान, आपको बेटा सवाल आपको कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं सर? मेरा सवाल ये था कि इंग्लिश मैं लिख लेता हूँ लेकिन जब बोलने की कोशिश करता हूँ बीच में अटक जाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सवाल सही है। आपने आपके दिमाग में 4 पांडे हैं, पांडे बर्तन। ठीक है जी सर, जिस बर्तन में अंग्रेजी पड़ी हुई है वहां से निकाल लेते हो, दूसरे में है ही नहीं तो वो कहां से निकालोगे। ठीक है, वो 4 बर्तन है, एक है बर्तन लिसनिंग वाला, दूसरा बर्तन है स्पीकिंग वाला, तीसरा बर्तन है रीडिंग वाला, चौथा बर्तन है राइटिंग वाला। ठीक है, आप लिख इसलिए लेते हो क्योंकि आपको पढ़नी आती है। ठीक है जी सर, आपको ना सुननी आती है तो सुननी नहीं आती तो बोलनी आती है। तो ये लोटे जो है ना, 2 बर्तन इस तरह से लगे हुए, ऊपर पड़ा हुआ है बर्तन लिसनिंग वाला, उसके अंदर से टूटी खोल के स्पीकिंग वाले बर्तन में डाली हुई है। जो लिसनिंग में डालोगे वो स्पीकिंग में आ जाएगा, जो रीडिंग में डालोगे वो राइटिंग में आ जाएगा, लेकिन ये 2 अलग है। लिसनिंग इनपुट है, इनपुट वाला बर्तन है, और राइट स्पीकिंग उसका आउटपुट वाला बर्तन है। ठीक है, रीडिंग इनपुट वाला बर्तन है और राइटिंग उसका आउटपुट वाला बर्तन है। क्योंकि आप रीडिंग कर लेते हो, कोई बात पढ़ी हो लिखी हो तो आप उसे पढ़ लेते हो तो उसे लिख भी लेते हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बाकी वाला उधर वाला बर्तन भरना है, कौन सा, सुनने वाला, क्योंकि वो भर जाएगा तो स्पीकिंग यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर से टूटी खोल के ना, लिसनिंग वाले बर्तन में से टूटी खोल के एक स्पीकिंग वाले बर्तन में रखी हुई है, जो डालोगे उधर से वो इधर से निकल आएगा। ठीक है, कानों से जो अंग्रेजी पड़ेगी वो इधर से निकलेगी, जो इधर से पड़ेगी वो इधर से निकलेगी। आप इधर से निकालना चाहते हो या इधर से निकालना चाहते हो?
दोनों साइडों से उन्होंने दोनों भांडे च पाना शुरू कर दो अंग्रेजी जिथे अंग्रेजी बोली जा रही है भावे रेडियो से भावे टीवी से भावे यूट्यूब से भावे किसी टाक में भावे कोई टीचर वो सुनना शुरू कर दो और देखो जिस तरह की सुनोगे वैसी आएगी आप पाकिस्तानियों को सुनता जा सुनना शुरू कर दो आपके अंदर से पाकिस्तानी वाली अंग्रेजी निकलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि डाली वही रही है आई वॉन्ट टू गो टू कराची बिकॉज माई कजन लिविंग देयर ही इज अ नाई ठीक है ही इज कटिंग हेयर ठीक है ही मेक्स वेरी बिग मनी तो आपने जैसे सुना वैसे ही निकलेगी ठीक है अगर आप लेकिन सर गोरे को सुनोगे समझ नहीं आती अगर आप गोरे को सुनोगे मैं गोरा नहीं हूँ मैं नकल करने की कोशिश करूंगा मैं गोरा नहीं हूँ क्योंकि सारा दिन मेरा वास्ता सारे पेंडुओं के साथ पढ़ता तो मैं भी पेंडू ही हूँ ना अक्सर असल में नकल करने की कोशिश कर सकता हूँ वो तो मैं पेंडू आदमी ठीक है तो आप गोरे को सुनोगे तो आप वो बोलेगा well, I want to go to UK because one of my cousin lives in UK he's very settled in UK he's got a salon there he comes to here and he makes a very handsome money so I'm planning to get settled in UK so let go ahead and help me out to jehdi sunni oh yani okay yes sir apne aap ko pucho ki tusi punjabi wali angrezi karni hai I want to go to Karachi because my cousin is a nai there nai di angrezi nahi aati na ta waste theek hai तो आपको वो इस तरह की निकलेगी आप जितना उल्टे पुल्टे लटक जाओ जी मेरी अंग्रेजों वाली क्यों नहीं निकल रही तो सोनी पंजाबी वाली रहे हो तो वही रहेगी ना अब आप जिस तरह की अंग्रेजी चाहते हो कि इधर से निकले उस तरह की अंग्रेजी इधर ना वो कीप होता है ना लगा के वो तेल डालने वाला कीप नहीं होता वो ऊपर से डालना शुरू कर दो ठीक है और वो कीप है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ठीक है ये लगा के ना ये लगा के ऐसे आपने लेट जाना है ठीक है ओके ओके जी सर अच्छा बॉडी अगर अटेंटिव कहीं और है तकलीफ हो रही है गर्मी हो रही है शिद्दत हो रही है तो बॉडी की कुछ एनर्जी कुछ तवज्जो उधर भी लग रही है ठीक है ऐसे 99% में से 100 में से 5% 10% आपकी एनर्जी किसी शोर को डील करने के लिए किसी गर्मी को ठंड को किसी तकलीफ को किसी भूख को किसी शिद्दत को उसको हैंडल करने में भी लग रही है तो बाकी जो एनर्जी रह रही है जो रह रहा है वो फोकस में लगेगा आप क्या चाहते हैं 100% फोकस होना चाहिए या 50% फोकस होना चाहिए ठीक है 100% तो आपको अलग थलग कर लो ऐसी चीजों से जो इरेलेवेंट है अभी सीखने के लिए ठीक है अभी मुजम्मल ऐसे करके बैठा हुआ जैसे मैं कोई पुतली तमाशा कर रहा हूँ ठीक है उसका अम्मा पीछे बुला रही है दही ला के दो उधर ध्यान नहीं है क्यों क्योंकि दिमाग इधर से मस्करे की तरह एंटरटेनमेंट की तरह मिजाक हासा मिजाक शुगल से फोकस से रेफरेंस से मिसाल से अदाकारी करके खेल के डालने की कोशिश हो रही है अम्मी कह रही है बेटा दही ले आ दे मैं चावल बनाए ने तेरे रल कर रल के वो कहता मैं सुनी अनसुनी कर देनी ठीक है जी, तो जी दिमाग जिस बात में मंगनी हो रही हो वो देखने वाले आ रहे हो उसको याद रहे वो कहता है परे करो मैं नहीं सुनी परे छोड़ दो परे हो जाओ ठीक है कोई अगर कह भी रहा हूं तो उसे इशारे से समझाने की कोशिश करता परे हो मैं अपने ध्यान से कहा परे हो है तो ये आपने इरेलेवेंट चीजों को परे करके रेलेवेंट की तरफ रखना है प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन है वो बड़ी बोरिंग है तो मेरा आपको तो क्या मशवरा है उस्तादों को मशवरा है कॉलेजों को मशवरा है यूनिवर्सिटियों वालों को मशवरा है कि अपनी एजुकेशन को एंटरटेनिंग बनाओ जो एजुकेशन एंटरटेनिंग होती है शुगल में होती है फनी होती है वो दिमाग रिसीव करता है फोकस से ध्यान से ठीक है तो जो कुरान की बात हदीस की बात मजहब की बात समझानी थी वो अर्तगुल के मुंह से निकलवा दी है ठीक है ना वो इब्नुल अरबी के मुंह से निकलवा दिया हमें याद हो गई है ठीक है और दूसरी तरफ वो भी हैं जो कंजर खाने वाले लोग हैं वो चाहते थे हमारी बात भी इनके दिमागों में जाए तो उन्होंने थोड़ी सी स्कर्ट ऊपर करवा दी है चोली छोटी करवा दी है
सलवार वैसे निकलवा दी है, कच्छा बनवा के लड़की को ऐसे करके नखरे से खड़ा कर दिया है। अब दिमाग को अच्छे बुरे से कोई ताल्लुक नहीं है, दिमाग वसूल करता है एंटरटेनिंग, फनी, सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आप अच्छा पढ़ लो, अच्छा एजुकेट हो जाओ, तो ऐसी एजुकेशन तलाश करो, ऐसे असातिज़ा तलाश करो जो आपको एंटरटेनिंग, फनी, लाइट वेट, रेफरेंस से, मिसाल से आपके दिमाग में डाल दे। आप नहीं भी चाहोगे ना, अगर आपकी आंखें कान ध्यान इधर है तो टीचर आपके अंदर वो घुसेड़ के डाल ही देगा, सही है। यानी मुकद्दस को एक चैलेंज मैंने दिया है, 10 दिन बाद मैं चाहता हूं कि आप ये वर्ड आपकी मेमोरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है। 100 रुपए का लोड करवाऊंगा अगर आपके जेहन में ना हुआ, ठीक है मुकद्दस, आपको मैं 100 रुपए का लोड भिजवाऊंगा, मैं इतने भिजवा सकता हूँ, कंजूस आदमी हूँ, ठीक है। तो 100 रुपए का लोड मैं भिजवाऊंगा जिस दिन जो साबित आप में से कर देगा कि मुकद्दस को हुबलू का मानी पता नहीं है, ठीक है। तो कोई 500 तक तो हो, पैकेज हो जाए। मैं एक जगह हूँ, और नहीं, उन्होंने अगर अदनान को भूल गया कि गाड़ी का रंग क्या होगा, गाड़ी की कंपनी क्या होगी, तो उसको अभी याद है मुझे रेड, उन्होंने याद है ना, 10 दिन बाद ही गल करें। अगर वो कहे कि मैं सर मैं देखे मैं भूल गया हूँ, तो मैं 100 रुपए का लोड उसे करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये शर्त है, वो शर्तिया मीठे कहते हैं ना, ये आजमाइश शर्त है। अब मैं सीरियस होकर बात करता हूँ, मैं आपको बड़े एंटरटेनिंग होकर बात की, तो दिमाग की फंक्शनैलिटी को समझ के दिमाग जैसे वसूल करता है डेटे को और जिस बुनियाद पर सॉर्टिंग करता है कि ये एक्टिव मेमोरी में रखना है, ये स्टैंड बाय मेमोरी में रखना है और ये फ्रीज कर देना है, जिन बुनियादों पर ये फैसला करता है, आप अपनी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है, उन चीजों के साथ दिमाग को दो, ठीक है। या ऐसा तरीका, ऐसी सिचुएशन तलाश करो कि जहां पर वो सारे एलिमेंट पूरे हो रहे हो। कौन सा होना चाहिए? सेटिस्फाइंग, इजी, एंटरटेनिंग, ठीक है, फनी। ऐसी चीज होगी तो दिमाग ना चाहते हुए भी याद रख लेगा, ठीक है। और अगर उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट लेफ्ट राइट दाएं बाएं अटैचमेंट नहीं है, तो आप जोर लगा लो, खप लो, दिन रात हिफ्ज कर लो, आपको याद नहीं रहे। इसमें आपके डल और इंटेलिजेंट होने का कोई फर्क नहीं है, ये फर्क नहीं है। तो याद मुकद्दस, याद हमने करना नहीं है, यस, याद नहीं करना, हमने क्या करना है? सीखना है। दिमाग खुद ब खुद फिल्टर कर लेगा, हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत सियाना दिमाग, ठीक है, मेरे नालों मेरा दिमाग सियाना, मुकद्दस है मुकद्दस का दिमाग सियाना, मुकद्दस मेरी तरह ही है, बस सीधी सादी है, दिमाग उसका बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। तो दिमाग को जो चाहिए है ना, उसको वो दोगे तो अच्छा। मुझे बताओ, खरगोश को केले दे या गाजरे दे? गाजर। और जो बंदर है उसे गाजरे दे या केले दे? बस इतना सा काम करना है। आप समझो कि दिमाग को जो चीज वो पसंद करता है वो बनी, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात को उस पुड़ी में डाल के दो जो वो पसंद करता है। इम्पोर्टेंट बात हो सकता है डल हो, कड़वी हो, तलख हो, बोरिंग हो, तो उसको पुड़िया में डाल के कैप्सूल ना, रंग बिरंगा, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट देख के बंदा कहना है तो निकल ही जाऊंगा मैं, सही है। तो उसको पैकिंग अच्छी करके भेजो, जो चीज दिमाग में पैकिंग में जाएगी अच्छी में, वो याद रखेगा। दिमाग ज्यादातर डेटा जो सारा दिन डिस्कार्ड कर देता है, फ्रीज करता रहता है, वो कहता है मेरे काम का नहीं, दिमाग में से निकलती कोई भी चीज नहीं। आज क्या हमने फाइनल किया? दिमाग में से भूलता दिमाग कुछ भी नहीं है। जो चीज जिस दिन आप पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक, जो बातें, जो कलर, जो आवाजें, जो शक्लें, जो गलियां, जो मोहल्ले, जिन जिन रस्तों से आप गुजरे, दिमाग को सब याद है। आपको याद नहीं है, दिमाग को याद है, लेकिन दिमाग उसमें से एक्टिव वो रखता है जिसमें आप देख रहे थे, रिक्शा देखने जा रहे थे, इस गली से गुजरे थे, वहां ट्रांसफार्मर था, उधर से आगे गाय बंधी हुई थी तीसरी गली में, और पतली गली में नीले मकान जो है ना, नीले नीले
गेट नीले दरवाजे वाला गेट वाला जो मकान था ना, उससे तीसरा घर था, ठीक है, सही है, उससे तीसरा घर था। सर जी आपने अपनी स्टोरी तो नहीं सुना दी? लग यही रहा नहीं सर को याद है, यही तो बताना चाह रहा हूँ, मैंने सारी गल याद है। अदनान को भी याद है, अदनान अभी से ख्वाब देखेगा कि शायद ऐसे ही उन्हें सूरज करण की गाड़ी होगी, होंडा सिविक होगी, नीले रंग का दरवाजा होगा, तीसरा घर होगा, छोटी सी खिड़की होगी, एक ट्रांसफार्मर होगा, एक वहां पर जो है वो गाय बदली, तो इसका मतलब है मैं ससुराल पहुंच रहा हूँ सारे सिग्नल वही है, ठीक है बेटा, ये मेरी साइड वाले सिग्नल है, आपके वाले नहीं, आपके वाले अभी आने हैं, सही है, रात को आएंगे सर, रात को है? रात को आएंगे, हाँ रात को अभी ये रिपीट होगा, नीला गेट, गाय, ट्रांसफार्मर, ठीक है, सुरख रंग की होंडा सिविक गाड़ी, याद रहे सर जी, ये नौ गाय बांधी देखे और उधर जाए गए, ये ससुराल है सर जी, घर पहुंचा दे, आगे थोड़ा सा घर भी रह गया, नहीं बेटा फिर मैं दिमाग कैसे चीजों को याद करता है, याद करना हमने मुकद्दस क्या करना, याद करना है कि नहीं करना, मुकद्दस क्या करना है, हमें समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, दिमाग को रजिस्ट्री देनी है, जिस चीज के दिमाग के पास रजिस्ट्री है वो याद है, जिसका स्याको सबाक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और ऐसी चीजों का दिमाग कॉन्टेक्स्ट नहीं रखता जो बोरिंग होती है, ठीक है, जो डल होती है, आप जो चाहते हैं दिमाग को याद रहे वो एंटरटेनमेंट की शक्ल में आनी चाहिए, इसलिए फिल्म देखो, गाने से, अंग्रेजी को फिल्म से सीखो, गाने से सीखो, डॉक्यूमेंट्री से सीखो, उस तरह से सीखेंगे तो याद रहेगा। मैं भी पिछला गाना सुना रहा था, ऐसे ऐसे गाने जो मैंने आज से 20 साल पहले सीखे थे, मुझे एक एक सारा सीधा ऐसे याद है, आपको अगला बोल भी याद है, मुझे आज से जो 15 साल पहले मैंने फिल्म कोई देखी थी उसका कोई एक बोल बोल दो, अगला बोल मैं बता दूंगा आपको क्या है, पूरे 1.5 घंटे की मूवी में से अगला बोल कैसे याद रह सकता है, लेकिन क्योंकि दिमाग ने एंटरटेनमेंट के लिया था, मैंने कौन सा लिख के रखा हो, जिन डायरियों में लिखा होगा वो पता नहीं कब की खाई गई, उनको जंग आलूद हो गई, उनको वो जो दीमक खा गई होगी, लेकिन इधर याद है, सही है। तो आज आपने क्या रेजोल्यूशन हमने निकाला, क्या निकालने हल इसमें से, क्या करने हमें, क्या करना है कि हमें याद रहे चीजें, समझना है बातों को, समझना है रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट, समझना है, एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ऐसे टीचर से पढ़े, ऐसे इदारे से पढ़े, ऐसी फिल्म से पढ़े, ऐसे गाने से पढ़े, ऐसी डॉक्यूमेंट्री से पढ़े, ऐसे थिएटर में पढ़े जो एंटरटेनिंग हो, जो अटैच कर सके हमें, जो एंगेज कर सके हमें, ठीक है जी सर, जो हमें एंगेज कर ले, जिसमें आप एंगेज नहीं है ना, एंगेज का मतलब मंगनी सिर्फ नहीं होती अदनान है, मंगनी सिर्फ नहीं होती एंगेज, एंगेज का मतलब ध्यान उधर लग जावे, हैं ठीक हो गया, जैसे तुम्हारा लगा हुआ है कि गाड़ी का रंग ये होगा, गेट का रंग ये होगा, वहां एक ट्रांसफार्मर होगा, वहां पर एक गाय होगी, नीले रंग का दरवाजा होगा, जैसे तुम्हारा ध्यान लग गया ना ऐसी चीजों में, उसका ध्यान लगेगा तो फिर थोड़ा भी सीखना बहुत है, सही है जी। और अगर आपने ये चीजें पूरी नहीं की तो दिन रात रटे लगा लो, उल्टे लटक के खड़े हो जाओ, है एक पांव पर खड़े होकर सीखो, वो नहीं रहना पाई आपके पास, ठीक है जी सर जी, सही है। आज के बाद कोई आपको कोई और बात कहे तो उन्हें कहे रेड शर्ट वाले टीचर ने मुझे ये बात कही, ठीक है जी सर, ठीक हो गया। आपको पता है मैं रेड शर्ट किस लिए पहनता हूँ? नहीं सर, नहीं सर, सर आप क्या जानते हो लोगों की शर्ट चाहिए? हाँ सर मुझे पता है, रेड का भी ऐसा ही है, मुजम्मल मुजम्मल बताने लगा, लोगो ब्रांड अट्रैक्टिव करने के लिए रेड कलर ऐसे है, एक पास से ले आने वास्ते, हर बार एक ही चीज होवे, एक ही चीज होवे, हर बार एक ही चीज होवे, कभी नीला कभी पीला कभी सुरख कभी टेंट कभी मूछे, वो कंफ्यूज करूंगा ना आपको, सबक जितना भी रेलेवेंट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, लाइट वेट रहेगा, वो याद रहेगा, सही है जी, एक सीक्वेंस, एक स्मूथ, एक रेफरेंस, एक डायरेक्शन में रहेगा तो याद रहेगा। तो ये मोटी मोटी मैंने बातें आपको बता दी है, वेलकम बेटा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अदील की बेटी बेटी, ठीक है जी सर, हमारे पास एक मिनट रह गया, अदील बात करवानी है कोई बच्ची की, बेटा क्या नाम है,
अपना नाम बताएं। सर जी मेरी दोनों ट्विन्स। ये आपकी आपकी कोई कुल कायनात अभी बैठी है आपके पास है? जी सर। ऐसे ही है? बेशक सर। ठीक है जी। जिन चीजों में आप दिलचस्पी और फोकस रखते हैं उनकी हर बात याद रखते हैं, उनका हर नाज नखरा उठाया जाता है। बीवी कहे तो याद नहीं रहता। बीवी ने 10 मरतबा कहा सूट लेके दो, नहीं लेके देते। बेटियों ने 1 मरतबा कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो निकल पड़ते। चले मैं भी कुल कायनात दिखाता हूँ आप। ठीक है, हमारा टाइम आउट हो गया, 1 मिनट में दिखा दे। ठीक है सर, ये हमारा, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला और ये मेरी बेटी आयशा। वेलकम बेटा आयशा अब्दुल्ला। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी मुजम्मिल, मेरा टाइम आउट हो गया, पूछना तो 1 मिनट में पूछ लो। सर ये मैं और ये मेरी फूलों वाली रजाई। ये तो मतलब आप ना, इसका मतलब है हमारी भी वो, आपकी भी वो रेड वाली गाड़ी आने वाली है। नहीं सर काली आएगी। नहीं काली, काली ब्लैक। अच्छा जी, चले जी, टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया हमारा, पूरा हो गया। आप लोग याद रखिएगा, याद ना रखिएगा, मैं कहता हूँ भूल के आइएगा दुबारे। आज मैंने बातें बताई हैं, कल याद से इनको भूल के आना है, जो मैंने बताया आज, कल याद से भूल के आना है। ठीक है, कल आपको किसी को कोई भी बात इनमें से याद नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके जी, टाइम आउट हो गया हमारा, और मैं सबसे इजाजत चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़। कल कोई भी याद नहीं होनी चाहिए।